चलो सरफराज जी, ए एंड बी कांस्टेंट है, क्लियर है ना? सरफराज जी, ए एंड बी कांस्टेंट है, क्लियर है? और सचिन साहब, आपको डाउट है ना? चलो अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए, अच्छा ठीक है। अभी सब कुछ सही है ना? अभी सब कुछ सही है? ऑल ओके? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुझे कुछ लोग नए नजर आ रहे हैं, जैसे पीयूष जी और कुणाल साहब। ये दो लोग चेहरे मुझे, दो नाम मुझे अलग नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग का पहला क्लास है, पीयूष और कुणाल जी। पीयूष और कुणाल जी, अच्छा ठीक है। तो आपने पीछे के लेक्चर देखे हैं या अभी आप पहला क्लास ले रहे हैं? पीछे के लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं? अच्छा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अच्छा, ठीक है। तो सचिन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सचिन साहब आप मुझे कॉल करना। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोगों को नहीं दिया है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सचिन साहब, आप मुझे कॉल करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कॉल करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बिल्कुल छोटा सा डाउट है, कोई बड़ा डाउट नहीं है, सिंपल सा 1 मिनट का डाउट है। ठीक है, उसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए, अपने सेशन को आगे किया जाए। चलिए, ये आपका इस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आगे फर्दर। ठीक है, तो कल हम लोग देख रहे थे शियर स्ट्रेस का वेरिएशंस, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में देख रहे थे। ठीक है, 2 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, 2 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है। दैट इज क्या कि कुछ फ्लूइड ऐसे भी होते हैं जिनका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा होगा। ठीक है, अभी इससे पहले जो पढ़ रहे थे आप, उसमें आपने पढ़ा था उस फ्लूइड में जो फ्लो के हिसाब से शियर स्ट्रेस बढ़ रहा था या घट रहा था या जो भी हो रहा था, उसमें फ्लो के हिसाब से था। जैसे डाइलेटेंट में फ्लो के हिसाब से शियर स्ट्रेस बढ़ रहा था, सूडोप्लास्टिक में फ्लो के हिसाब से शियर स्ट्रेस घट रहा था। अब हमें पढ़ना है दोस्तों कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है। ठीक है, या विस्कोसिटी क्या हो रही है। तो आइदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर घट रही होगी, तो बढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं रियोपेक्टिक। बढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? रियोपेक्टिक। और घटने वाले को बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रोपिक। तो ये रियोपेक्टिक है और ये थिक्सोट्रोपिक है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये रियोपेक्टिक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये थिक्सोट्रोपिक, इस तरह से होगा। अब कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे प्रिंटर इंक है, प्रिंटर इंक क्या होता है मेरे दोस्त? रखे रखे सूख जाता है। सूख जाने का मतलब अब वो विस्कोसिटी उसकी क्या हो चुकी है? सूख गाढ़ा हो गया एकदम, यानी विस्कोसिटी अब इनहेंस हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रियोपेक्टिक में कौन से फ्लूड आएंगे? जैसे प्रिंटर इंक आ जाएगा, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी के टाइम के साथ विस्कोसिटी में क्या हो रहा है? टाइम के साथ विस्कोसिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। वेरी गुड। टाइम के साथ विस्कोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम के साथ विस्कोसिटी अगर इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर इंक रखे रखे क्या हो जा रहा है? सूख जा रहा है। और कुछ फ्लूइड ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि
जैसे कि मैं बोलूं कि जो हम लोग लुब्रिकेंट अपनी बाइक वगैरह में डालते हैं, जब बाइक में आप लुब्रिकेंट डालते हैं तो डालते समय आप देखिए कि वो गाढ़ा होता है, जब यूज किया हुआ बाहर निकलता है तो बिल्कुल पतला भुसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो भी क्या है मेरे दोस्त, लुब्रिकेंट क्या हुआ, लुब्रिकेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका गाढ़ापन कम हो चुका है, यानी विस्कोसिटी उसकी कम हो चुकी है, तो इसका मतलब उसमें शियर स्ट्रेस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो रियोपेक्टिक के लिए जो एग्जाम्पल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रियोपेक्टिक के लिए एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं प्रिंटर इंक, जिप्सम भी उसी कैटेगरी में आएगा, जिप्सम भी उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और थिक्सोट्रॉपिंग में आप बोल सकते हैं ड्रिलिंग वाटर, ड्रिलिंग वाटर, और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं क्या, ड्रिलिंग वाटर के बाद आप बोल सकते हैं ये जो कैस्ट्रोल ऑयल वगैरह है वो बोल सकते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये इनके इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो फुली ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, क्लियर है ना, आगे चले, आगे चले। वीडियो रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है ना, रिफ्रेश कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और बात समझिए, अगर इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग प्लॉट करें, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो कुछ का इंक्रीमेंट होगा, कुछ का डिक्रीमेंट होगा। जिनका इंक्रीमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे रियोपेक्टिक, जिनका डिक्रीमेंट होगा उनको हम लोग बोलेंगे थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में लिपस्टिक कल बात हुआ था ना, बिंगम प्लास्टिक, लिपस्टिक कल बात हुआ था, बिंगम प्लास्टिक जैसा होगा, ठीक है। तो ये रियोपेक्टिक और ये थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, ये इस तरह से होगा। रियोपेक्टिक में विद रिस्पेक्ट टू टाइम शियर स्ट्रेस बढ़ेगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम थिक्सोट्रॉपिक में शियर स्ट्रेस घटेगा, दैट्स व्हाई ये ऐसा हो चुका है, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, आगे चले, आगे चले दोस्तों। हाँ, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे बात हुई थी ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे बात हो चुकी है, जल्दी बताइए क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे बात हो चुकी है, ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग दोस्तों अपने नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज द फ्लूइड स्टैटिक, दैट इज द फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक में क्या बात होगी, फ्लूइड कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, क्या मैं समझूं। अच्छा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात नहीं हुई है, तो चलिए अच्छा काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिख लेते हैं, फिर फ्लूइड स्टैटिक पढ़ लेंगे जल्दी से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2 मिनट का टॉपिक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू क्या है मेरे दोस्त, न्यू। तो इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो बिटवीन, इट इज डिफाइंड as a ratio between dynamic viscosity to the mass density of fluid, dynamic viscosity to the मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, म्यू बाय रो। यूनिट पे बात करेंगे तो म्यू का यूनिट क्या होता है, म्यू का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर पर सेकेंड, और रो पे बात करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोलिए या
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बोलिए, एक ही बात हुआ, क्योंकि ये एमकेएस हो जाएगा, ये सीजीएस हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है स्टोव। इसी को क्या बोला जाता है? स्टोव बोला जाता है। और एक और बात, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में क्या होगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा अपॉन सेकेंड। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड द सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द स्टोव। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द स्टोव। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है? क्लियर है? ये क्लियर है? जल्दी बताइए, फास्ट क्लियर है? हाँ, तो ये आपके पास दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा। अब हमें पढ़ लेना है, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें दोस्तों पढ़ लेना है फ्लूइड स्टैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स बिल्कुल आराम से ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? फ्लूइड स्टैटिक बिल्कुल आराम से ध्यान से समझेंगे। देखो यार, सबसे पहली बात है फ्लूइड स्टैटिक क्या है। फ्लूइड स्टैटिक में आप क्या कहने वाले हो, कि फ्लूइड रेस्ट पर होगा या स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो जब भी फ्लूइड रेस्ट पर या स्टैटिक कंडीशन पर होगा, उसके एनालिसिस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड स्टैटिक कहेंगे, ठीक है ना? तो फ्लूइड स्टैटिक में क्या करते हैं? इट डील्स विथ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन या स्टैटिक कंडीशन, रेस्ट कंडीशन या स्टैटिक कंडीशन, ठीक है ना? चलिए, ये आपके पास इस तरह से हो गया है, ठीक है? दूसरी बात समझिए, इसमें सबसे पहला टर्म जो आएगा उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, बिल्कुल आराम से समझिए कि प्रेशर किसे कहते हैं। देखो यार, इसे आप प्रेशर कहते हैं, ये आपने जो दिया है इसको ऐसे, इसको आप प्रेशर कहते हैं, ठीक है? इसको कभी प्रेशर नहीं कहेंगे, इसको कभी प्रेशर कहेंगे कि ये आप ऐसे खींच रहे हो, ये प्रेशर नहीं कहा जाएगा। किसे प्रेशर कहेंगे? इसे प्रेशर कहेंगे, ठीक है ना? तो प्रेशर में क्या बात होती है, प्रेशर में ध्यान समझना, प्रेशर में 3 बातें छिपी हुई है। प्रेशर, पहला बात यह है कि प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, कभी भी टेंसाइल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रेशर होगा वो हमेशा प्लेन के नॉर्मल लगेगा, जो प्रेशर होगा वो हमेशा प्लेन के नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना? ये प्लेन है तो इसके ऊपर ये प्रेशर कहलाएगा, ठीक है? इसको आप प्रेशर कहेंगे, इसको ऐसे आपने दिया है तो ये प्रेशर कहोगे आप। तो प्रेशर जो होता है दोस्तों वो हमेशा प्लेन के नॉर्मल एक्ट करता है। और तीसरी बात यह है कि प्रेशर जो है कोई एक्सटर्नल आकर लगाता है, तो प्रेशर कोई एक्सटर्नल आके लगा रहा होता है। अब यही डिफरेंस मेरे दोस्त प्रेशर और स्ट्रेस में भी है। क्या? प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल है, स्ट्रेस इंटरनल होता है, ठीक है ना? प्रेशर क्या है? नॉर्मल लगे, ये जरूरी नहीं है, नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, स्ट्रेस नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, बट प्रेशर हमेशा क्या होगा? कंप्रेसिव होगा, ठीक है? तो प्रेशर के बारे में क्या कहा जाता है, प्रेशर के बारे में क्या कहा गया मेरे दोस्त? इट इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल कंप्रेसिव normal compressive external force acting on a per unit length of free प्रेशर इज डिफाइंड एज ए
नॉर्मल कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए एक्टिंग ऑन ए एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द प्रेशर, इज द प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को आप बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्कल। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर एक नॉर्मल कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट करेगा। प्रेशर हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फिजिक्स में ये नियम है, जिसने जिसके बारे में बताया है उसको सम्मान देने के लिए यूनिट उनके नाम पे रख लिया जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, बट प्रेशर को पास्कल सामने बताया था, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी हो जाएगा। बोलिए यहां तक सारी बातें क्लियर है, जल्दी बताइए फास्ट, यहां तक सारी बातें क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग भी बता दो यार, और लोग भी कमेंट कर दीजिए जल्दी से फास्ट। ओके वेरी गुड, चलिए। तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है। अब इसी प्रेशर की सीरीज में एक आपके पास टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बिल्कुल आराम से समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बिल्कुल आराम से बताइए। कोई बताएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कोई बताएगा। किसी भी बॉडी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया मेरे दोस्त, इट इज डिफाइंड एज ए, इट इज डिफाइंड एज ए, एज ए प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज ए प्रेशर। अच्छा ठीक है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ए प्रेशर offer by surrounding gas या air molecule। Atmospheric pressure किसे कहेंगे मेरे दोस्त, पीयूष साहब थोड़ा धीरज रखेंगे, आपके जवाब का, आपके क्वेश्चन का जवाब अभी मिल जाएगा जब हम लोग पास्कल लॉ पढ़ेंगे। क्योंकि पास्कल लॉ आने से पहले तक प्रेशर को वेक्टर माना जाता था, बट जब पास्कल लॉ आ गया तो प्रेशर स्केलर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, वो वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, ठीक है। और सरफराज जी समझिए कि प्रेशर, हम लोग बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो किसी भी बॉडी के ऊपर जो सराउंडिंग में गैस है या एयर है, जो कुछ भी है, उसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है। अच्छा चलो मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं, अब ठीक है।
अब ठीक है। हाँ तो चलिए, प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मगर जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल होगा, प्लेन के हमेशा नॉर्मल लगेगा, तब जाकर आप बोलोगे कि वो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज द प्रेशर। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट पास्कल सामने बताया था तो इसका यूनिट पास्कल भी लिखा जाएगा। दैट्स इट, ठीक है ना? ये बात होती है प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया, ठीक है? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01325 × 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, और 10⁵ पास्कल, और ये होता है एट सी लेवल एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सी लेवल और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमेशा याद होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद करता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है ना? उसकी वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है? एक और बात समझिए, एक और बात समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऊपर चलते हैं ऊपर, अरे सरफराज जी थोड़ा धीरज रखो मेरे भाई, सारी बातें होंगी बट थोड़ा धीरज तो रखो मेरे दोस्त, ठीक है? जो जब हम लोग ऊपर चलते हैं, जब हम लोग ऊपर चलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इंक्रीमेंट करती है या डिक्रीमेंट करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग ऊपर चलेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जब नीचे चलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, इस बात को समझते हैं। कैसे डिक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, इस बात को समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल आराम से, ठीक है? होता क्या है, होता क्या है कि जब आप यहां पर है ऐसे, मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक और तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आप ये तरीका, ये जुगाड़ समझ लिए तो कभी 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 कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऊपर चलने पे प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है? कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे कोई रखी हुई है, ठीक है? ये बॉडी धरती पर रखा होगा और धरती के ऊपर मान लेते हैं एटमोस्फियर यहां पर है, धरती के ऊपर मान लेते हैं एटमॉस्फियर यहां तक है, यानी इसके बाद अब एटमॉस्फियर नहीं है, ठीक है? अब समझो यार कि ये इस तरह से है। अब समझिए ध्यान से कि इस ब्लॉक के ऊपर जहां तक एटमॉस्फियर है उसके एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से इस पे वेट लग रहा होगा, इसके ऊपर वेट लग रहा होगा। बोलो यस या नो, यस या नो, जल्दी बताइए। बिल्कुल लग रहा होगा। अब इस वेट का एरिया से डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर जहां तक एटमॉस्फियर है उसके ऊपर का एयर का जो वेट है वही वेट पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ माय डियर, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वेट का मैग्नीट्यूड पहले से क्या हो जाएगा, वेट पहले से क्या हो जाएगा, वेट पहले से क्या हो जाएगा, अगर अब हम लोग इसको यहां से यहां लेकर आए तो वेट पहले से कम हो जाएगा ना यार, अब इतना ही वेट रह जाएगा। तो जब वेट कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऊपर चलने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है? ऊपर चलने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा और नीचे चलने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना? अब डाउट नहीं होगा? हाँ ठीक है, चलिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए प्रेशर, ऑल्सो डिफाइंड एज अ प्रेशर, ऑल्सो डिफाइंड एज अ प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द एयर कॉलम. ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द एयर कॉलम. ड्यू टू वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द एयर कॉलम. ठीक है, अब एयर का कॉलम ऊपर जाने से कम हो जाएगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन हो चुका है और ये आपके पास इस तरह से हो चुका है. अब प्रेशर के कुछ यूनिट्स हैं, उनको समझ लेना है. जैसे 1 पास्कल को ही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है. 1 पास्कल को ही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है. 1 किलो पास्कल क्या कहलाता है, 10^3 पास्कल या 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 1 मेगा पास्कल क्या कहलाता है, 1 मेगा पास्कल कहलाता है 10^6 पास्कल या फिर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बोलो चलेगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्योंकि mm में बिल्कुल सही बोल रहे हैं विशाल जी, mm में 10^-3 होता है, 10^-3 होता है. ठीक है, तो mm में 10^-3 है, mm स्क्वायर में 10^-6 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा. बोली ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक सही है ना, यहां तक सही है, जल्दी बताइए. हाँ ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, 1 bar में 10^5 पास्कल होता है, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 100 किलो पास्कल. क्योंकि किलो में 10^3 और ये 10^2, तो ये क्या हो जाएगा, 10^5 पास्कल हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहां 1 kgf per cm² 1 kgf per cm² या 1 kg per cm² एक ही बात हुआ. kgf बोलिए या kg बोलिए, एक ही बात हुआ. ठीक है ना, अब देखो 1 kg में क्या होता है, 9.81 न्यूटन होता है. 1 kg में क्या होता है, 9.81 न्यूटन होता है. ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, 10^-4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. यानी 9.81 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या आप इसी को पास्कल भी बोल सकते हैं. ठीक है, बोलिए सही है, बोलिए सही है. एफ, हाँ kgf यूनिट होता है फोर्स के टर्म में ना, बिल्कुल सही है, उस तरह से आप इसको बोलते हैं. तो ये कुछ प्रेशर्स के यूनिट है, ये कुछ प्रेशर्स के यूनिट है जो आपको हमेशा याद रखना है. ठीक है, एफएम में ज्यादातर आपको बार, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, पास्कल यही सब देखने को मिलेगा, kgf वगैरह नहीं देखने को मिलता है. ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है. अब हम लोग आगे चलते हैं. दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने नाम लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने, अरे पीयूष मेरे भाई थोड़ा धीरज रखो भैया, सब कुछ पढ़ेंगे. एक बार प्रेशर तो पढ़ लेने दो, एक बार पास्कल लॉ तो पढ़ लेने दो, फिर उसके बाद अगर ये सब आपकी समस्या रह जाती है तो फिर आप मुझे बताना कि HG के टर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कितना होगा, क्या होगा. एक बार अभी तो शुरुआत किया है यार, अभी क्या पढ़ा है प्रेशर के बारे में हम लोगों ने.
हाँ ठीक है, अभी तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं मेरे दोस्त। अभी तो देखो क्या पढ़ा है, अभी तो आपने केवल प्रेशर पढ़ा है, प्रेशर का डिफिनेशन पढ़ा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये पढ़ा है, ठीक है ना। तो अभी तो थोड़ा शुरुआत करने दो मेरे दोस्त, क्लास कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद अगर आपका ये डाउट रह जाएगा तो फिर आप मुझे बताना कि हाँ सर ये डाउट रह गया है, ठीक है। तो चलिए जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब बताना मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इस बात का भरोसा आप रखना कि एक एक छोटा से छोटा टॉपिक और अच्छे से अच्छा टॉपिक आपका कवर होगा, डजेंट मैटर आपके लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक एक छोटा छोटा टॉपिक क्लियर होगा। डजेंट मैटर वो टॉपिक ईएस से उठाया गया है, ईएस का ऑब्जेक्टिव भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एसएससी जेई का भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपको, स्टेट लेवल का भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और जरूरत पड़ी तो गेट के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बनाने में अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हुआ तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरे दोस्त एक-एक टॉपिक, एक-एक छोटे से छोटा टॉपिक, अच्छे से अच्छा टॉपिक, सारा सब कुछ कवर होगा, बट आप भरोसा बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, टॉपिक कवर होने दीजिए, फिर आप मुझे बताओ सर ये टॉपिक नहीं हो पाया, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आरएसईबी का जो वैकेंसी आई है उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बट एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, मगर हमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने होंगे। अच्छे क्वेश्चंस करोगे तब छोटे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां तक पढ़ोगे तो यहां तक हो पाएगा, यहीं तक पढ़ोगे तो यहीं तक हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें यहां तक की तैयारी करनी है तो यहां तक पढ़ना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप ना। हाँ दैट्स वाई मेरे दोस्त हम लोग छोटे से छोटा टॉपिक लेकर मैक्सिमम अच्छे लेवल तक का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दी पॉइंट, ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों देखना चाहते हैं प्रेशर के स्केल को, किसको देखना चाहते हैं, प्रेशर के स्केल को, ठीक है। चलिए प्रेशर का स्केल देखना चाहते हैं। प्रेशर स्केल, ठीक है, बिल्कुल आराम से अच्छे से समझ लो। मान लेते हैं ये प्रेशर का स्केल है, मान लेते हैं ये प्रेशर का स्केल है, यानी ये प्रेशर की एक्सेस है, ये प्रेशर की एक्सेस है, ठीक है, ये प्रेशर की एक्सेस है। तो किसी भी सिस्टम में जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर क्या होगा पहले इसको समझिए, उसका प्रेशर क्या होगा पहले उसको समझिए, ठीक है। ठीक है आराम से, बिल्कुल आराम से मान लेते हैं किसी भी लिक्विड में, किसी भी सिस्टम में ये गैस है, इसमें भरा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो रैंडम मोशन करेंगे तो बार बार वॉल से टकराएंगे, अब वॉल से टकराएंगे तो उनपे फोर्स एग्जर्ट होगा और फोर्स पर यूनिट एरिया ही इस गैस का प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही इस गैस का प्रेशर कह रहा है। अच्छा दोस्तों जो मार्केट में मिलता है ना प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, जो मार्केट में मिलते हैं ना, जिसमें आप जैसे मान लो बाइक में हवा भरवाते हैं या कुछ ऐसा कुछ जो भी डिवाइसेस होता है, या आप देखे होंगे आपके लैब वगैरह में अगर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस ये गोल वाला अगर लगा होता है तो वो सब अगर देखोगे ना तो वो इसी में होता है, ठीक है ना, वो इसी टर्म में होता है, 1 kg/cm² ऐसा, ठीक है ना। जब बाइक में हवा वगैरह भरवाना है तो चेक करना, इसी के फॉर्म में होता है। चलिए तो गैस के मॉलिक्यूल्स है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, बार बार वॉल पे टकरा रहे हैं, बार बार वॉल पे टकराएंगे तो फोर्स एग्जर्ट होगा, यही फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। यहां तक सही है, यहां तक सही है दोस्तों, यहां तक सही है, यहां तक सही है। अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से, बार बार स्ट्राइक हो रहा है। अच्छा ये जो इनकी वेलोसिटी है जिसको आप वी आर एम एस कहते हैं वो क्या होता है, 3RT/m होता है, क्या होता है, 3RT/m होता है, ठीक
ठीक है। अब देखना ध्यान से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। रूट मीन स्पीड नहीं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन लेते हैं फिर रूट निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? प्रेशर के बराबर हो गया, प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और यही तो गैस का भी नियम है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर क्या हो रहा है मेरे दोस्त? बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर घटने से भी प्रेशर घटेगा। और टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? टेम्परेचर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो होती है 0 केल्विन। कितनी होती है मेरे दोस्त? 0 केल्विन। 0 केल्विन से कभी भी टेम्परेचर नीचे राइज नहीं कर सकता। इवन 0 केल्विन पाना भी इम्पॉसिबल होता है, मगर पढ़ाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मान के चलते हैं कि 0 केल्विन होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। बट 0 केल्विन पाना इम्पॉसिबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आप कहने वाले हो कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर घटने से प्रेशर घटेगा भी। तो टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू जो होगी उसी पर प्रेशर की भी मिनिमम वैल्यू होगी। और टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। अच्छा, 0 केल्विन का अगर टेम्परेचर है तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? वो रेस्ट पर होंगे। और अगर रेस्ट पर है तो दीवार पे कोई फोर्स लगाएंगे? नहीं, वॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और जब वॉल पे कोई नहीं फोर्स लगेगा तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर भी क्या होगा मेरे दोस्त? 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहा कि ये वो प्रेशर है जो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर मिला हुआ है, तो इसके नीचे कोई भी प्रेशर लाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यही जो प्रेशर है वो प्रेशर की मिनिमम वैल्यू है। यही जो प्रेशर है वो प्रेशर की मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज इसके नीचे कोई प्रेशर लाइज नहीं कर सकता, बिकॉज ये मिनिमम टेम्परेचर पे मिलने वाला प्रेशर है। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, यस या नो, जल्दी फास्ट। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ये वो प्रेशर है जो एब्सोल्यूट 0 पर मिलता है। कितने पे मिलता है? एब्सोल्यूट 0 पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे मिलता है। इसीलिए इस प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 प्रेशर, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। हाँ, तो क्या कहते हैं दोस्तों? एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर का डिफिनेशन क्या हो गया? एब्सोल्यूट 0 प्रेशर का डिफिनेशन हो गया, ये वो प्रेशर है जो 0 केल्विन पर मिलेगा या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलेगा। ये वो प्रेशर है जो 0 केल्विन पर मिलेगा या 0 केल्विन पर मिलेगा या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलेगा। क्योंकि 0 केल्विन बराबर क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर मेरे दोस्त एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कब मिलेगा। तो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर या तो 0 केल्विन पे मिलेगा या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलेगा, ठीक है। एक और बात समझ लीजिए, एक और बात अभी समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था जब ना ही ये ऑप्शन था ना ही ये ऑप्शन, ना ही 0 केल्विन का ऑप्शन था ना ही 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का ऑप्शन था। करेक्ट ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, आप बताना आप इस ऑप्शन से सहमत है या नहीं सहमत है। एब्सोल्यूट 0 प्रेशर इज डिफाइंड एज ए प्रेशर एट विच मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम 0, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम 0। बोलिए सही है? हाँ बिल्कुल, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम 0 हो जाएगा तो उस प्रेशर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कहेंगे। तो दोस्त
दोस्तों ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर से सारी बातें अगर हम लोग करें तो जो वीआरएमएस होता है वो टेम्परेचर के साथ इस तरह से रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर घटता है। तो टेम्परेचर की जो मिनिमम वैल्यू होती है उस समय प्रेशर की भी मिनिमम वैल्यू होगी। टेम्परेचर की जो मिनिमम वैल्यू है वह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जीरो केल्विन का टेम्परेचर है, और ये वो टेम्परेचर है जहां पर मोमेंटम मॉलिक्यूल्स का जीरो हो जाता है। इसलिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम जीरो हो चुका है, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी जीरो मतलब मोमेंटम जीरो, वेरी गुड अभिनव साहब, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। तो अब दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, मान लीजिए 101.325 किलो पास्कल, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही। तो ये तो जीरो है मगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ है ना, ठीक है। हाँ, अब कुछ प्रेशर ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है, उसके सर पे अभी कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 100 किलो पास्कल है। मान लीजिए कितनी किलो पास्कल है, 100 किलो पास्कल है, ठीक है, 100 किलो पास्कल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके सर पे हाथ रख दिया, दबाकर उसके सर पे हाथ रख दिया है, जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है 50 किलो पास्कल का। कितना किलो पास्कल, 50 किलो पास्कल। तो अगर मैं कहूं कि मैंने कितना प्रेशर लगाया है, तो 50 किलो पास्कल लगाया है, बट एक्चुअली उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 100 किलो पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 50 किलो पास्कल मैंने लगाया है, तो टोटल कितना लग रहा है, 150 किलो पास्कल लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्चुअली उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्लस जो मैंने लगाया है वो प्रेशर लग रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी कुछ प्रेशर लाइज करते हैं जो कि गेज प्रेशर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, गेज प्रेशर कहलाते हैं। तो अगर आपने ये कोई प्रेशर रखा है, सपोज पी एक्स, और पी एक्स रखा है, और आपने ये कहा, मुझसे पूछा जाए कि मैंने उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, तो मेरा जवाब होगा 50 किलो पास्कल। मगर उस बच्चे से पूछा जाए कि उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो 150 किलो पास्कल। यानी एक ही प्रेशर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एटमोस्फियर उसको रखेंगे तो उसको कहा जाता है गेज प्रेशर। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एटमोस्फियर रखेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, गेज प्रेशर कहेंगे, उसे आप गेज प्रेशर कहेंगे। जैसे एटमोस्फेरिक को काउंट नहीं किया, मैंने कितना बोला 50, तो वो गेज प्रेशर कहलाएगा। बट अगर कोई एटमोस्फेरिक को भी काउंट कर रहा है, जैसे आप लोगों ने 150 बताया, तो ये हो जाएगा 150, और उस प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहेंगे, उस प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गेज और एब्सोल्यूट क्या है, गेज और एब्सोल्यूट क्या है, ये क्लियर हुआ सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ प्रेशर ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक के नीचे लाइज करेंगे, कुछ प्रेशर ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे लाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि जो फ्लो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के लिए होता है, फ्लो जो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से आराम से, तो अगर मैं बात कहूं कि ये भैया कंटेनर है, तो जब हम लोग स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो अपने माउथ के अंदर जो प्रेशर लगता है, जो हम लोग अपने माउथ के अंदर प्रेशर क्रिएट किए, सपोज वो पी है और यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, और स्ट्रॉ लगा के जब पीते हो आप, तो ये कोल्ड ड्रिंक ऐसे जा रहा है ना, तो कोल्ड ड्रिंक यहां से ऐसे जा रहा है, यानी कोल्ड ड्रिंक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है या कम है, P
पी की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है या कम है? जल्दी बताइए, पी की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है या कम है? कम होगी ना यार, ज्यादा कौन बोल रहा है? अभिनव पांडे साहब, कम होगी ना, कम होगी तभी तो फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के लिए हो पाएगा। तो इसका मतलब जो पी है उसका मैग्नीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, तभी तो ये ऊपर आ पाएगा। इसीलिए ये जो प्रेशर, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसको सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सक्शन के लिए यूज किया गया है, क्योंकि ये सक्शन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहा हूं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। तो कुछ प्रेशर ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे लाइज करेंगे। मान लिया जाए ये पी वाई, पी वाई वो प्रेशर हुआ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे लाइज करेगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों यहां पे ये जो पी वाई है, अगर एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में नापा आपने, तो ये पी वाई का वैक्यूम वैल्यू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पी वाई का वैक्यूम प्रेशर। बट अगर इसी को आपने यहां से मेजर किया तो ये कहलाएगा पी वाई का एब्सोल्यूट प्रेशर, और वैक्यूम प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। बोलो सही है, पी वाई को, वैक्यूम प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। सही है, सही है, जल्दी बताइए फास्ट। बोलिए, पी वाई को, वैक्यूम प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात ध्यान से समझिए, और अगर उसी को आपने एब्सोल्यूट जीरो से मेजर किया तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बात यह है मेरे दोस्त कि चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे हो, अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से रीडिंग ली है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से रीडिंग ली है, तो ये जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की जो रीडिंग है, वहां से हमें जो प्रेशर मिलेगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, चाहे वो इसके ऊपर हो चाहे वो इसके नीचे हो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रीडिंग लिया है तो ऊपर के प्रेशर को गेज और नीचे के प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर कहेंगे, या ऊपर के प्रेशर को पॉजिटिव, नीचे के प्रेशर को निगेटिव कहेंगे। तो ध्यान से सुन लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रेशर पॉजिटिव या कोई भी प्रेशर निगेटिव हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रेशर पॉजिटिव या कोई भी प्रेशर निगेटिव हो सकता है, बट कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर निगेटिव नहीं हो सकता। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, जल्दी से फास्ट, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रेशर, पॉजिटिव बोल लो निगेटिव बोल लो, बोला जा सकता है, मगर एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, एब्सोल्यूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो वैक्यूम प्रेशर को आप क्या क्या बोल सकते हो? वैक्यूम प्रेशर भी बोल सकते हो, सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हो, और निगेटिव प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर है? यहां तक की सारी बातें क्लियर है? एक बार फिर से बता दीजिए मुझे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब दोस्तों ये जो प्रेशर लिखा है ना, उन सभी को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या है मेरे दोस्त? इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एट, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और when momentum
व्हेन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम जीरो, बिकम जीरो, व्हेन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम जीरो, तो उसे आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर which is measured with respect to absolute zero pressure। ये वो प्रेशर है जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर में क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर which is measured above the एटमोस्फेरिक प्रेशर, विच इज मेजर्ड अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और अगर आपने पीएक्स गेज की वैल्यू लिखनी चाहिए, पीएक्स गेज की वैल्यू लिखनी चाहिए, तो ये पीएक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू में से एटमोस्फेरिक प्रेशर को घटाना होगा। ठीक है, देखो यहां पे आंसर, अगर मैं पीएक्स की गेज वैल्यू लिखना चाहूंगा तो पी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू में से एटमोस्फेरिक प्रेशर को घटा देंगे तब जाकर आपको गेज वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, सही है, यहां तक सही है, जल्दी बता दीजिए एक बार, यहां तक ठीक है, अरे जल्दी बता दो भाई, रिफ्रेश कर दो। चलो अच्छा, अब ठीक है, ओके। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर विच इज मेजर्ड बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर विच इज मेजर्ड बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर के नीचे का जो प्रेशर होगा उसे क्या कहेंगे, वैक्यूम प्रेशर, और एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का जो प्रेशर होगा उसे आप क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे अगर पी वाई का वैक्यूम वैल्यू देखा जाए तो ये होगा पी वाई का, सॉरी, एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वाई का एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, पी वाई का वैक्यूम वैल्यू जो होगा यहां से यहां एटमोस्फेरिक में से पी वाई का एब्सोल्यूट को माइनस करना होगा। तो ये आपके पास प्रेशर के बात हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों जब आपने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया है,
तो अब आपको पढ़ना है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में। उससे पहले आपको जानना होगा पास्कल लॉ। उससे पहले क्या जानना होगा? पास्कल लॉ। तो प्रेशर हो गया, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे, बट उससे पहले अपने को क्या पढ़ना है? पास्कल लॉ पढ़ना है, क्योंकि पास्कल लॉ से आइडिया लगेगा कि प्रेशर में कैसा वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द पास्कल लॉ। That is the Pascal law. ठीक है, क्लियर है सभी को? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पास्कल लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बोलिए एक बार सभी लोग, सही है? चले आगे। तो दोस्तों, आपने आइडिया ये लगा लिया है कि ऊपर चलने पे प्रेशर डिक्रीज होगा और नीचे चलने पे प्रेशर इंक्रीज होगा, बट हमें इसको ऐसे समझना है कि कैसे प्रेशर इंक्रीज होगा और कैसे डिक्रीज होगा, या कितना अमाउंट इंक्रीज होगा कितना अमाउंट डिक्रीज होगा, इस बात को समझना है। यहां से एच हाइट पर नीचे जाकर एक छोटा सा पॉइंट लिया, एक छोटा सा पॉइंट लिया है, पॉइंट मतलब एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, सही है? एच हाइट पर जाकर, ये एच, ठीक है? अब ध्यान से समझना, इस एलिमेंट को आप बाहर लाए हो और थोड़ा बड़ा बना के एनालिसिस कर रहे हो, लाइक दैट। ये आपके पास इस तरह से है, तो ये क्यूब है, इस तरह से क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, इस तरह से, जिसका ये जो लेंथ है वो dx है, ये जो है वो dx है, यहां से यहां तक ये dy, ये dy और ये dz, ठीक है? ये ऐसा है। अब ये जो इसका नीचे वाला प्लेन है ना, ये वाला, ये वाला प्लेन, तो जो ये वाला प्लेन है उस पे नीचे से क्या काम कर रहा है? उस पे नीचे से काम कर रहा है प्रेशर P। कैसे? ये प्लेन है ये, तो इसके नीचे जो है ऐसे प्रेशर काम कर रहा है, ऐसे प्रेशर काम कर रहा है P, और इसके ऊपर से प्रेशर काम करेगा ऐसे, यहां पे ऐसे P प्लस, यहां पे मेरे दोस्त प्रेशर P होगा, तो यहां से जब आप यहां पर आएंगे, यहां पे प्रेशर P है, तो यहां से जब आप यहां पर आएंगे तो कौन से डायरेक्शन में आएंगे, कौन से डायरेक्शन में आएंगे, जल्दी बताइए कौन से डायरेक्शन में आएंगे? यहां से यहां गए तो कौन से डायरेक्शन में गए? डायरेक्शन Z का डायरेक्शन है। अरे यहां से इस प्लेन से, इस प्लेन से इस प्लेन में गए, तो कौन से डायरेक्शन में गए? Z के डायरेक्शन में गए ना, बोलो यस या नो, बोलो यार सभी को क्लियर है ना? Z के डायरेक्शन में गए, तो Z के डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो डेल पी बाई डेल जेड इंटू डी जेड होगा, ये प्रेशर का वेरिएशन होगा। यहां पे प्रेशर P है, यहां से यहां गए तो Z के डायरेक्शन में गए, तो जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो Z के हिसाब से लिखेंगे, तो P प्लस डेल P बाय डेल Z इनटू dz होगा। बोली सही है? यहां तक सही है? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सही है? जल्दी बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एरिया के लिए बात करूं, फोर्स चाहिए ना मुझे, मुझे चाहिए फोर्स, तो फोर्स चाहिए, तो मैं एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया क्या होगा? इस
पी के लिए जो एरिया होगा माय डियर वो यही तो एरिया है, पी के लिए जो एरिया है वो यही तो एरिया है, और इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, डी एक्स और डी वाई, कितना है डी एक्स और डी वाई। तो ये प्रेशर हो गया, अब ये प्रेशर फोर्स हो गया, ये प्रेशर हो गया, अब ये प्रेशर फोर्स हो गया। अब आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है, वेरी गुड विशाल जी, आपको मुझे बताना है कि जेड के डायरेक्शन में इस एलिमेंट के पास और भी कोई फोर्स है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या और भी कोई फोर्स है? और भी कोई फोर्स है? अरे बताओ यार, एटमॉस्फेयर तो ऊपर है ना, यहां पर अरे और कोई फोर्स है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अभिनव जी, इसका खुद का भी तो वेट होगा, इसका खुद का भी तो वेट होगा, जेड के डायरेक्शन में काम कर रहा होगा चलिए तो जेड का भी तो वेट होगा, बोलिए सही है, बोलो यार, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स होगा पी डी एक्स डी वाई अपवर्ड P प्लस डेल पी वाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी एक्स डी वाई डाउनवर्ड वेट मास इंटू जी डाउनवर्ड और मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या लिखो, एक्सेलरेशन में क्या लिखो, अरे न्यूटन सेकेंड लॉ, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। सचिन साहब एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाए, एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाए, एक्सेलरेशन बताओ यार, एक्सेलरेशन क्या लिखे, एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए, अरे बोलो यार, बोलो भाई, एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए, बोलो भाई, अरे नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बोलो यार, कि नहीं क्लियर हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या लिखना चाहिए, बोलो, चलो देखो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप, फ्लूइड स्टैटिक, यानी फ्लूइड क्या है, रेस्ट पर है, और जब फ्लूइड रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, सही है। तो ये छोटी सी तो बात थी मेरे दोस्त, अब डी एक्स डी वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पी डी एक्स डी वाई, पी डी एक्स डी वाई डेल पी बाय डेल एक्स, डेल पी बाय डेल एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, डी जेड सॉरी डेल पी बाई डी जेड डेल जेड है, डी जेड डी एक्स डी वाई, और मास में क्या छिपा हुआ है, मास में क्या छिपा होता है, मास में छिपा होता है रो इंटू वी, रो इंटू वी, तो रो इंटू वी, वी क्या होगा इसका वॉल्यूम, डी एक्स डी वाई और डी जेड बराबर जीरो, अच्छा जी भी है, वेरी सॉरी जी भी है, बराबर जीरो। अब ये माइनस वाला उधर गया तो डी एक्स डी वाई डी जेड गायब हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, बचेगा डेल पी बाय डेल जेड इज द रोजी, ये डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड गायब हो गया, ये माइनस रोजी है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल जेड, तो कहीं पे भी माइनस लगा दो, कहीं पे भी माइनस लगा दो।
मैंने यहां पे लगा दिया और ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ और ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ। आपसे क्वेश्चन में आएगा और हाइड्रोस्टैटिक लॉ पूछेगा और डेल पी बाय डेल जेड की वैल्यू पहला ही ऑप्शन मिलेगा रोजी, मगर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा माइनस रोजी। बोलो ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे समझना, अब आगे समझना है बिल्कुल आराम से। रिपीट, सरफराज जी कहां दिक्कत है बताइए जरा। सरफराज जी कौन सी लाइन में दिक्कत है? सरफराज साहब कौन सी लाइन में दिक्कत है? ओवरव्यू करा दीजिए। अच्छा चलो, अच्छा ओवरव्यू ये है मेरे दोस्त, हम लोगों ने लॉजिक से समझा था कि प्रेशर का वेरिएशन ऊपर जाने पे कम होगा, मतलब ऊपर जाने पे डिक्रीज होगा, नीचे जाने पे इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं पास्कल लॉ के हिसाब से कि प्रेशर कैसे वेरी करेगा। ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा एटमोस्फेरिक, यहाँ से नीचे आके देखना चाहते हैं कि प्रेशर में क्या वेरिएशन है। ठीक है, एलिमेंट लिया, एलिमेंट को बना लिया और इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया जेट के डायरेक्शन, जेट के डायरेक्शन लगाया तो जेट के डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स को दिखाया, तो सारे फोर्स को दिखाया तो आपके पास डेल पी बाय डेल जेट का ये एक्सप्रेशन आ चुका है। बोलो सरफराज साहब, चले आगे, सरफराज जी चले आगे। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। इधर जेड का वेरिएशन है, इधर प्रेशर का वेरिएशन है, इधर जेड का वेरिएशन है, इधर प्रेशर का वेरिएशन। जब जेड की वैल्यू जीरो होगी, जब जेड की वैल्यू जीरो होगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी एटमोस्फेयर। जब जेड की वैल्यू जीरो होगी तो प्रेशर क्या होगा, यहां पे होगा आप तो एटमॉस्फेरिक होगा। और जब आप नीचे चल रहे हो, नीचे जाने पर एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो यार एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव, अरे नेगेटिव में यार नीचे चल रहे हो तो नेगेटिव बातें करेंगे ना, ऊपर चलने पे पॉजिटिव। तो नीचे जा रहे हो यानी माइनस एच चलने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यही निकालना चाहते हैं। जेड बराबर जीरो पे प्रेशर पी एटीएफ, माइनस एच पे प्रेशर क्या होगा, यही निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है। हाँ तो चलिए, तो इधर हो गया P माइनस पी एटीएम, ठीक है, और यहां पे हो चुका है माइनस रो जी बाहर आ गया, डेल जेड का इंटीग्रेशन Z, जीरो से माइनस एच, जीरो से माइनस एच। तो P माइनस पी एटीएम इज द, ये माइनस एच होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब रो जी एच हो जाएगा, यानी P विल बी इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच हो गया है, पी ए टी एम प्लस रो जी एच हो चुका है, दैट इज द पी, दैट इज द पी। यानी मेरे दोस्त नीचे चलोगे आप तो जो प्रेशर होगा वो पहले पी ए टी एम था, अब जो प्रेशर होगा पी ए टी एम प्लस रो जी एच हो चुका है।
रो जी एच हो चुका है। तो प्रेशर पहले से इंक्रीज हो चुका है और कितना इंक्रीज हुआ है, तो रो जी एच इंक्रीज हुआ है। अब समझ में आया कि प्रेशर जो पहले था उससे पहले से प्रेशर अब क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। और मेरे दोस्त, अब और मेरे दोस्त, जो प्रेशर का वेरिएशन है वो प्रेशर का वेरिएशन कैसा है एच के साथ, प्रेशर का वेरिएशन कैसा है। मान लो प्रेशर है वाई, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, रो और जी कांस्टेंट है, तो y बराबर c प्लस ए एक्स जैसा है ना, यानी समथिंग मेरे दोस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, यानी समथिंग मेरे दोस्त लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो क्या होगा, लीनियर वेरिएशन में होगा। कैसा वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन में होगा। ठीक है सचिन साहब, मेथड अलग है या नहीं अलग है, आपको समझ में आया मेरे दोस्त? सचिन साहब समझ में आया या नहीं? ठीक है चलिए, वेरी गुड। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, कौन से डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में। ठीक है सरफराज जी, बी ए एन, बी ए एन का मतलब क्या हुआ सरफराज साहब? अब यहां तक सब अच्छा, बी ए एन का मतलब, हाँ ओके सरफराज साहब, ठीक है अच्छा। तो मेरे दोस्त, हाँ ठीक है समझ गया यार, समझ गया भाई मेरे। देखिए अब आपने जेड के डायरेक्शन में देख लिया कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, अब आपको एक्स और वाई के डायरेक्शन में देखना है प्रेशर का वेरिएशन। ठीक है तो एक्स के डायरेक्शन में देखो, तो ये है उसी डायग्राम में मैं बना रहा हूं, ये प्रेशर है एक्स के डायरेक्शन में, कौन से प्लेन पे, इस प्लेन पे, ये एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है ना, बोलो भाई ये एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, बोलिए जल्दी से, ये एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है इधर से, और इधर से ऐसे लगेगा। तो यहां पे प्रेशर P है, x में वेरिएशन करना है, तो P प्लस डेल P बाय डेल x इंटू डी एक्स होगा। ये तो हो गया प्रेशर, ये तो हो गया प्रेशर, बट प्रेशर फोर्स क्या होगा? तो प्रेशर फोर्स के लिए ये प्लेन देखो कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है पहचानो आप, ये प्लेन कौन सा प्लेन है पहचानो जरा, ये प्लेन कौन सा प्लेन है पहचानिए, ये प्लेन है देखो, ये डी वाई है ना, तो ये डी वाई है, और ये डी जेड है ना, तो ये क्या है, डी जेड है। तो ये प्लेन हुआ डी वाई और डी जेड, डी वाई और डी जेड, डी वाई और डी जेड, बोलो ठीक है। हाँ तो कौन सा प्लेन है, डी वाई और डी जेड, ठीक है चलिए। तो इसका मतलब जब एरिया के लिए बात करेंगे तो यहां पे होगा डी वाई और डी जेड, यहां पे भी होगा डी वाई और डी जेड, डी वाई और डी जेड। चलिए अब यहां पे फिर से लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ इन एक्स डायरेक्शन, एक्स के डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, पी प्लस सॉरी पी डी वाई और डी जेड माइनस पी प्लस डेल पी बाई डेल जेड इनटू डी जेड, वेरी सॉरी डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स और डी वाई और डी जेड। क्या एक्स के डायरेक्शन में वेट आएगा, क्या एक्स के डायरेक्शन में वेट आ रहा है, क्या एक्स के डायरेक्शन में वेट आ रहा है,
नहीं। तो ध्यान से समझिए, तो वेट को काउंट ही नहीं किया आपने, ठीक है। और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, माइनस के साथ डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर जीरो, माइनस के साथ। अच्छा, डी एक्स डी वाई और डी जेड तो वॉल्यूम है, वो तो जीरो नहीं होगा, तो क्या जीरो होगा, डेल पी बाई डेल एक्स जीरो, यानी डेल पी इज द जीरो, डेल पी इज द प्रेशर, डेल पी इज जीरो मतलब क्या, डेल पी जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल पी जीरो का मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट। सिमिलरली इन y डायरेक्शन, जब आप y डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या y डायरेक्शन में भी कोई वेट वगैरह आएगा, तो क्या सिमिलरली आप y डायरेक्शन में डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, क्या आप y डायरेक्शन में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, बोलिए यस या नो, बोलिए यस या नो फास्ट, बोलिए यस या नो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग बताइए। इसका मतलब ये हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो केवल और केवल जेड के डायरेक्शन में होगा, एक्स और वाई के डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा। अगर आप यहां पे हो, यहां से यहां आ गए, तो जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट यहां आने के बाद अगर इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो, तो जो प्रेशर है वो थ्रू आउट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। प्रेशर में वेरिएशन कब आएगा, जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में चलेंगे, बोलिए ये बात समझ में आया, समझ में आया। समझ में आ चुका है सभी को, हाँ, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, वर्टिकल हाइट, ठीक है, कितना आप चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से एक और बात समझिए, तो प्रेशर एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं बदलेगा, प्रेशर केवल और केवल कौन से डायरेक्शन में बदलेगा, प्रेशर केवल और केवल कौन से डायरेक्शन में बदलेगा, कौन से डायरेक्शन में बदलेगा, बोलो यार, जेड का डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं कहूं कि ये है और ये है, ठीक है, ऐसा ही था ना, सपोज ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, और अगर आपने यहां पे रख दिया Z और यहां पे रख दिया X, तो अब प्रेशर कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा, अब प्रेशर कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा, X के डायरेक्शन में चेंज होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और यहां पे अगर आपने Y कर लिया है, तो अब प्रेशर कौन से डायरेक्शन में बदलेगा, अब प्रेशर कौन से डायरेक्शन में बदलेगा, वाई। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एक्स में भी वेरी कर रहा है, वाई में भी वेरी कर रहा है, जेड में भी वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन के आपने सेलेक्ट किया है। तो इसका मतलब हम लोग कभी भी एक्स वाई जेड के चक्कर में नहीं रहेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। हमसे जब भी पूछा जाएगा कि प्रेशर किधर वेरी करेगा, तो हमारा जवाब होगा कि प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट होगा, हमें एक्स या वाई या जेड से मतलब नहीं है, प्रेशर केवल और केवल वर्टिकल में चेंज होगा, एक्स और वाई में प्रेशर का यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर का कोई भी वेरिएशन नहीं है। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, फास्ट,
हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है पास्कल से रिलेटेड बातें, ठीक है ना। एक और बात समझिए इसी में, ठीक है। आपने ये कहा था, मतलब बचपन में आप लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है यार, बचपन में मतलब 6th 7th 8th में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कभी? ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे इस तरह का सेफ है, लैब में रहता है ऐसा, और यहाँ पे पानी भरा जाता है। तो जब पानी भरा जाएगा, तो आप पाओगे कि सभी सेप में, जैसे ये देखो कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ये भी कुछ कन्वर्जिंग है, ऐसा कुछ पैरेलल है, ठीक है। सभी में आपको लेबल जो होगा वाटर का एक जैसा ही नजर आएगा, चाहे ये सेप हो, चाहे ये 1 केस हो, चाहे 2 केस हो, चाहे 3 केस हो, ऐसा आएगा ना। बोलो, ऐसा देखा है कभी, किया है ऐसा, देखा किया है कभी? बोलो यार, यस या नो, कुछ तो बोलो। नहीं किया है मगर, समझ रहा है ना? अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसा देखा है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट का मतलब, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है, एक सेकंड, अच्छा मुझे देखा तो, ये एक्सपेरिमेंट का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, बस यही मतलब है। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि जो वाटर का फ्री सरफेस है, सभी कंटेनर में एक जैसा होगा, क्योंकि सभी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। दैट्स व्हाई इन सभी के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एक जैसा एक्ट करेगा, ये मतलब होता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, अब देखो ध्यान से, दुनिया में जितने भी सी लेवल है, दुनिया में जितने भी सागर है, सागर, ठीक है, वो सभी आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से सभी आपस में कनेक्टेड है। तो उन सभी का लेवल जो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि उन सभी के ऊपर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। बोलो ठीक है, ठीक है। इसीलिए जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू लिखा था, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू लिखी थी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू थी, वो हमेशा कहाँ पे थी मेरे दोस्त? सी लेवल पे थी। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कहाँ पे थी? सी लेवल पे थी, ठीक है। कहाँ पे थी मेरे दोस्त? सी लेवल पे, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सी है वो सभी आपस में कनेक्टेड है, सभी का लेवल एक जैसा है, तो उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा? सभी का सेम होगा। इसीलिए जो भी हाइट का मेजरमेंट करते हैं, अब दुनिया वालों को एक रेफरेंस मिल गया ना, अब दुनिया वालों को एक रेफरेंस मिल गया कि सभी दुनिया में जब सभी का लेवल एक जैसा है, तो जो भी हाइट का मेजरमेंट करते हैं हमेशा सी लेवल से ही करते हैं, क्योंकि सी लेवल आपके लिए एक रेफरेंस है। क्योंकि अब आपके पास, जैसे माउंटेन एवरेस्ट कहते हैं हम, माउंटेन एवरेस्ट कहते हैं 8848 मीटर है, तो 8848 मीटर जो माउंटेन एवरेस्ट है मेरे दोस्त, वो क्या है? वो कहाँ से है? वो सी लेवल से है। ऐसा नहीं नेपाल में वो है तो नेपाल से अपने को मेजरमेंट करना है, नहीं, कहां से करना है मेरे दोस्त? सी लेवल से। कहीं पे भी किसी भी जगह का विकिपीडिया आप खोलोगे, किसी भी जगह का, मान लीजिए जयपुर का आपने विकिपीडिया खोला, तो जयपुर में विकिपीडिया खोलोगे तो वहां पे हमेशा लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई या औसतन ऊंचाई ये होगी, तो मीन सी लेवल से जो हाइट होता है वो ये होता है। 20 डिग्री एक टेम्परेचर होना चाहिए रेफरेंस लेने के लिए, एक 20 डिग्री टेम्परेचर डिसाइड कर लिया गया है, ठीक है ना, वो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हाइट है मेरे दोस्त, वो कहाँ से हाइट होनी चाहिए? वो हमेशा सी लेवल से, तो एक रेफरेंस है अपने पास, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि सभी आपस में कनेक्टेड है, तो सभी का लेवल जो होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अब आपको मैं कहा यहाँ पे प्रेशर है पी, यहां से अब आप यहाँ पे आए तो प्रेशर बढ़ चुका है, बट अब आप इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, सभी तरफ चलिए, प्रेशर हर जगह कांस्टेंट होगा ना। इस प्लेन में कहीं पे भी चलिए, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो यस या नो, यस या नो। अब इस प्लेन को ध्यान से समझना, इस प्लेन को मैंने कट करके आपके सामने ऐसे बनाया है, इस प्लेन को कट किया और आपके सामने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो इस प्लेन को कट किया और आपके सामने ऐसे बनाया है, तो यहां पे अगर सपोज कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, सभी जगह से जो प्रेशर लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन सभी पॉइंट्स पे जो प्रेशर लग रहा होगा, उन सभी पॉइंट्स पे जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वेरी गुड, सेम होगा। तो अब पास्कल साहब का स्टेटमेंट सुनना है। पास्कल साहब ने ये कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट है मार्कर का पिन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर सभी तरफ से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, सभी जगह से क्या होगी? इंटेंसिटी सेम होगी। इसमें वेरिएशन कब आएगा? जब आप इसको यहां से लेके यहां तक आओगे या यहां से लेके यहां तक जाओगे, तब आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, मगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर सभी डायरेक्शंस में सेम होगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है ना? हाँ, तो मेरे दोस्त, अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर एट एनी गिवन लोकेशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मगर ये बात कब सही है? ये बात कब सही होगा? ये बात कब सही है? उसमें कुछ कंडीशन है? उसमें कुछ कंडीशन है? सरफराज जी ने बोला था बीच में सरफराज जी ने इसके बारे में कमेंट किया था, बताइए इसमें कुछ है कंडीशन? कुछ कंडीशन है? हाँ, when fluid at rest condition या static condition, तब ये कहानी hold करेगा। बोलो सही है? समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, very good। अब देखो यार एक छोटी सी बात, अब देखो यार, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर के, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर के इनफाइनाइट डायरेक्शन हो गए ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर के इनफाइनाइट डायरेक्शन हो गए ना, तो जब इनफाइनाइट डायरेक्शन हो गए तो क्या ये वेक्टर होगा? क्या ये वेक्टर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो पास्कल लॉ से पहले प्रेशर को वेक्टर माना जा सकता था, माना जाता था, मगर पास्कल लॉ आ जाने से यह पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर के इनफाइनाइट डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई प्रेशर जो है वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर हो जाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। तो जिसका भी डाउट था वो क्लियर हुआ? किसका डाउट था? मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट क्लियर हुआ या नहीं?
चलो ठीक है, इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर के इनफाइनाइट डायरेक्शन है। जब प्रेशर के इनफाइनाइट डायरेक्शन है तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, तो वहां से आपको बोलते होगी वेक्टर होगा। और ये क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है तो ये वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, बात समझे आप? बात समझे। एक और बात समझिए, जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वो वेक्टर हो जाएगा। कोई भी चीज वेक्टर तब होता है जब वो वेक्टर के नियम को फॉलो करता है। जब वो वेक्टर के नियम को फॉलो करेगा तब वो वेक्टर होगा। वेक्टर का नियम क्या है कि वेक्टर कैसे जोड़े जा रहे हैं, वेक्टर कैसे घटाए जा रहे हैं, इन सब बातों को जो फॉलो करता है उसको आप कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं इधर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो मैं इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा हूं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? 0। तो किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। मान लो आपके कमरे में टीवी ऐसे चलता हो, ये बोर्ड है, ये यहां से वायर गया है, टीवी ऐसे चल रहा है, ये आपके घर की टीवी है, एलईडी ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, आपके घर में कोई आया, बोला यार यहां पे टीवी ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ, इसको यहां से हटाओ, इसको कनेक्शन ऐसे करो, ताकि बेड से देखने में आसानी रहे, ऊंचाई के रहे। तो मेरे दोस्त ये बताओ, क्या टीवी चलेगा या नहीं चलेगा? अगर कनेक्शन चलेगा ना, चलेगा। अगर करंट, अब ध्यान से सुनना, अगर करंट मान लो 10 एम्पियर जा रहा था, अगर करंट वेक्टर होता तो इधर की तरफ टीवी नहीं चलनी चाहिए थी, मगर टीवी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि करंट के पास भले ही मैग्नीट्यूड है, भले ही डायरेक्शन है, मगर वो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट वेक्टर नहीं है। तो जरूरी नहीं है दोस्त कि अगर कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रख रहा है तो वो वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर होने के लिए उसके नियम को भी फॉलो करना पड़ता है, तब वो जाकर वेक्टर होगा। बात समझ में आया? बात क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो ये आपके पास इस तरह से प्रेशर से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब आप वेक्टर के नियम बोलना, इसके लिए मतलब मैं नहीं समझाया सचिन साहब क्या कह रहे हो, वेक्टर के नियम बोलना का मतलब क्या कह रहे हो सचिन साहब, क्या कह रहे हो? वेक्टर के नियम को फॉलो करेगा या वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा? ठीक है, वेक्टर का नियम क्या है कि वो वेक्टर की तरह जोड़ा जा सके, वेक्टर की तरह घटाया जा सके। ठीक है, ये सब उसके नियम है, उसके कंपोनेंट्स है, वेक्टर की तरह रिजोल्व किया जा सके, ये सब बात है। ठीक है, चले आगे चले। सचिन साहब क्लियर है? अब दोस्तों हमें पढ़ना है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, प्रेशर मेजरमेंट
devices. प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें पहला है बैरोमीटर, जिसमें पहला है बैरोमीटर, ठीक है, चलो बैरोमीटर। एक बात समझो यार, पास्कल साहब के हिसाब से प्रेशर का वेरिएशन कौन से डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप यहां पर हो, यहां से आप यहां आ गए, ये 100 मीटर आया और ये इंक्लिनेशन है थीटा, तो ये 100 साइन 30 होगा, यानी ये 50 मीटर होगा, यानी ये 50 मीटर होगा। तो दोस्तों, जब आप प्रेशर के लिए रो जी एच लिखोगे, तो एच में ये 100 मीटर लिखोगे, आप यहां से यहां आए हो, ये 100 मीटर लिखोगे या ये 50 मीटर लिखोगे? वेरी गुड, क्योंकि हमें वर्टिकल हाइट से मतलब है, क्योंकि हमें वर्टिकल हाइट से मतलब है। हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहे हो हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन से मतलब है? वर्टिकल, ठीक है। चलिए, तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में सबसे पहला क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर को टोरिसेली साहब ने दिया था, ठीक है ना, और इसके लिए बाद में उनको नोबेल भी दिया गया, बट टोरिसेली साहब ने बैरोमीटर के बारे में बताया था। क्या बताया था? उन्होंने कहा था, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर is a device which is used to measure atmospheric pressure. ये ऐसा डिवाइस है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाएगा। इसकी मदद से किसको मेजर करेंगे? एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे। अब कौन बताया था इसके बारे में? टोरिसेली साहब ने बताया था, ठीक है। क्या बताया था, कैसे बताया था, कैसे मेजर करेगा, वो सारी चीजें समझेंगे, बट बैरोमीटर क्या है, किसने बताया था, ये बातें क्लियर है कि बैरोमीटर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस है जो टोरिसेली साहब ने बताया था, ठीक है, बोलो सही है? सही है, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और समझते हैं कि कैसे उन्होंने बताया था, ठीक है। तो टोरिसेली साहब ने कहा कि हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में पहले से ही किसी लिक्विड का वेपर फॉर्म भरा हुआ है, और इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। टोरिसेली साहब ने क्या कहा अभी तक कि एक ट्यूब है जिसमें किसी लिक्विड का वेपर फॉर्म है और वेपर फॉर्म है जिसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, बोलो ठीक है, यहां तक सही है भैया। अब सुनना, उन्होंने कहा हमारे पास एक रिजर्वायर भी है, ठीक है। इस रिजर्वायर में पहले से ही कोई लिक्विड भरा हुआ है,
पहले से ही कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या कहा, इसको लाया, इसको इन्वर्ट करके यहाँ पर लगा दिया, इसको इन्वर्ट करके यहाँ पर लगा दिया। जब इन्वर्ट करके लगा दिया उन्होंने, अच्छा इस पे स्केलिंग हुई है ना, इस पे स्केलिंग हुई है, ऐसे स्केलिंग जो होती है ना वो स्केलिंग हुई है, जो थर्मामीटर में स्केलिंग होती है ना वो स्केलिंग हुई है, ठीक है, वो स्केलिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, जब इन्वर्ट करके लगाए हैं तो जहां पे ये जो प्रेशर है वो कितना है, पी एक्स, जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। अरे सरफराज साहब ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि लिक्विड गिरेगा नहीं गिरेगा, ये बात समझो कि ये इन्वर्ट करके ऐसा लगा दिया गया, ठीक है ना, ये ऐसे तो वेपर कंडीशन में ऐसे कैसे रुकेगा, उड़ जाएगा, ये भी तो दिमाग लगा सकते हो। तो दिमाग पढ़ाई पे लगाइए, ये इन फालतू बातों पे नहीं कि उड़ जाएगा गिर जाएगा ये सब चीजों पे नहीं, ठीक है, वो आइडियल कंडीशन है, मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो तो अब देखो यार, यहां का प्रेशर है पी एक्स और यहां का प्रेशर क्या है, यहां का प्रेशर क्या है, यहां का प्रेशर एटमोस्फेरिक है, ठीक है। तो यहां का प्रेशर है एटमोस्फेरिक और यहां का प्रेशर है पीएक्स, पीएक्स की वैल्यू एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो वो स्ट्रॉ वाला केस हो जाएगा ना, स्ट्रॉ वाला केस हो जाएगा, जो हम लोग लिक्विड को सक करके स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो यहां का प्रेशर पीएक्स से कम है, यानी प्रेशर निगेटिव है, सक्शन है। तो जब सक्शन प्रेशर है तो यहां पे जो रिजर्वायर में लिक्विड है वो रिजर्वायर का लिक्विड यहां पर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये रिजर्वायर का लिक्विड यहां तक राइज कर जाएगा, और ये जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी वो नोन वैल्यू है या अननोन वैल्यू है, जल्दी बताइए, हाइट नोन वैल्यू है या अननोन है, हाइट नोन है या अननोन है, जल्दी बताइए फास्ट, नोन वैल्यू है, क्यों, क्योंकि उस पर स्केलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, स्केलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए ध्यान से समझिए, तो स्केलिंग हो चुकी है दोस्तों, नोन वैल्यू है अपने लिए, ठीक है, ठीक है। अब चलो ध्यान से, तो अब ध्यान से समझना, स्केलिंग हो चुकी है, नोन वैल्यू है अपने लिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टोरिसेली साहब के ट्यूब में जो लिक्विड का राइज होता है क्या वो कैपिलरी एक्शन से होता है, क्या वो कैपिलरी एक्शन की वजह से हो रहा है, नहीं। अरे राम जी कैपिलरी एक्शन नहीं, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, कैपिलरी एक्शन नहीं हो रहा है। किसकी वजह से लिक्विड का राइज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखो, यहां पे वन है, यहां पे टू है, वन और टू एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो पी वन और पी टू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, पी वन और पी टू की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वैसे पी वन की वैल्यू क्या है, पी वन है एटमोस्फेरिक प्रेशर, पी टू की वैल्यू क्या है, पी टू की जो वैल्यू है, पी टी की जो वैल्यू है वो है यहां पे प्रेशर पी एक्स, यहां से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा रो जी एच, रो जी एच। ये एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम, इस एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम, इस एक्सप्रेशन, एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से देखते, ठीक है। देखो यार, वन और टू हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल में पास्कल साहब ने कहा था कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, वन और टू हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में पास्कल साहब ने कहा था कि कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए वन और टू का प्रेशर सेम है। वन तो खुले वातावरण में है तो इसलिए वन का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, टू का प्रेशर क्या होगा, अगर यहां का प्रेशर पी एक्स है
और यहां से नीचे चल रहे हैं, तो नीचे चलने पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी एच, तो पी एक्स यहां का है प्लस रो जी एच। अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यार ध्यान से, अब देखना ध्यान से, रो जो है वो रिजर्वायर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है, और रिजर्वायर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपको पता है, सही है ना, जी भी आपको पता है, एच भी आपको पता है, क्या नहीं पता है, पी एक्स। तो अगर पी एक्स पता हो जाता तो आप कहते कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल चुका है, अगर पी एक्स पता हो जाता तो आप कहते एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल चुका है, ठीक है। तो पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, टोरिसेली साहब ने कहा जीरो कर दीजिए, पी एक्स को जीरो कर दीजिए, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो जी एच। अब रो भी पता है, जी भी पता है, एच भी पता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल जाएगा, बोलो सही है, बोलो सही है, समझ में आया, समझ में आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल जाएगा, बोलो यार, मगर हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मगर समझो यार पी एक्स जीरो कैसे होगा, पी एक्स जीरो होने के लिए इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जीरो होना चाहिए। हाँ सचिन साहब बिल्कुल वही बात पे आ रहा हूं कि पी एक्स जीरो कैसे होगा, पी एक्स जीरो होने के लिए इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जीरो होना चाहिए, और अपने पास एकमात्र ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर होता है, और वो कौन है मेरे दोस्त, वो है मरकरी। तो मेरे दोस्त पी एक्स जीरो इस वजह से हो रहा है, पी एक्स जीरो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने वेपर फॉर्म ऑफ मरकरी रखा है, वेपर फॉर्म ऑफ मरकरी रखा है, और मरकरी का जो वेपर प्रेशर होता है वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो अब पी एक्स कैसे जीरो हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है, अब पी एक्स कैसे जीरो हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर, वेरी गुड। अब सुनो यार, अब सुनना, वेरी गुड वेरी गुड, अब सुनो यार अब टोरिसेली साहब ने क्या कहा कि अगर मान लो यहां पे कोई और लिक्विड होगा और ये मरकरी के वेपर के साथ इंटरफेस पर मिलेगा तो ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन ना हो, ये केमिकल रिएक्शन ना हो, इसके लिए टोरिसेली साहब ने ये कहा कि मैं रिजर्वायर में लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी रखूंगा, क्या रखूंगा, लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी रखूंगा, रिजर्वायर में क्या होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी, क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन ना हो, ड्यू टू अवॉइड केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू अवॉइड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अवॉइड करने के लिए आपने यहां पर क्या रखा है, लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी, क्या रखा है मेरे दोस्त, लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी, बोली ठीक है, सही है, चल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपके पास, इसका मतलब यहां पे रो किसका होना चाहिए, मरकरी का होना चाहिए, रो किसका होना चाहिए, मरकरी का होना चाहिए, ठीक है। तो रो आपको पता है 13,600 होता है मरकरी का, जी आपको पता है 9.81 है, एच आपको देख रहा है कि एच कितनी वैल्यू आ रही है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टोरिसेली साहब ने इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाला और दुनिया को बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है सभी को, समझ में आ चुका है ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड।
अब इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो समय था जब लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता था वो समय था जब लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता था, मगर आज के समय में लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है ना। ठीक है सचिन साहब, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जब भी आपकी मर्जी हो तब भी आप कॉल कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो उस समय लोगों को मेरे दोस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में नहीं पता था, बट आज को आप आज आपको पता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो आज आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, रो ऑफ मर्करी क्या है ये भी पता है, जी क्या है ये भी पता है, तो एच क्या होगा ये हमें देखना है। विक्टोरी सेली साहब को कितनी हाइट मिली होगी, तो क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं विक्टोरी सेली साहब को कितनी हाइट मिली होगी? बोलिए, कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, तो कैलकुलेट करिए और बताइए विक्टोरी सेली साहब को कितनी हाइट मिली होगी। तेरह हजार छह सौ होता है ना। हाँ, एच तो देखो कहां से, एच ही तो निकालना है, तो एच का टेंशन क्यों ले रहे हो, एच तो निकालना है ना। वेरी गुड वेरी गुड विशाल जी, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही है। देखो यार, आज आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01, तेरह हजार छह सौ 9.8 × h, तो जो h की वैल्यू हो गई, जो h की वैल्यू हो गई वो हो गई 0.760 अप्रोक्सीमेट, किसी का 0.759 आएगा। हाँ सही है सही है, 0.077 नहीं सरफराज जी फिर से देखो, तो ये इस तरह से आएगा, यानी इसी को आप बोल सकते हैं 760 mmV बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 760 mmV बोल सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर होगा। अगर मरकरी का 760 mm का कॉलम है तो उसका प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर होगा। बोलो सही है, ये बात ठीक है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन कि अगर वाटर रखा जाए, मान लो आपसे कहा जाए कि भैया टेंशन छोड़ दो कि केमिकल रिएक्शन होगा, तो वाटर रखा जाए तो वाटर के केस में कितना होगा, वाटर के केस में हाइट कितनी मिलेगी ये अपने को बताना है। बताइए जरा, तो वाटर के केस में क्या हाइट होगी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
अगर दोस्तों वाटर के केस की बात करना चाहते हैं, वेरी गुड विशाल साहब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप कर रहे हैं दैट इज द रो जी एच करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, वाटर 1.01325 इंटू 10 to the power 5, 10 to the power 3, 9.81 इंटू एच। तो एच की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 10.32 मीटर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10.32 मीटर ऑफ वाटर। बोलिए सही है, सही है, सही है, 5-2 नहीं यार, 3-2। ठीक है, बोलिए ठीक है। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के टर्म में 10.32 मीटर और मरकरी के टर्म में 760 mm, मरकरी के टर्म में 760 mm। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहा, अब ध्यान से समझ रहा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आराम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि बिल्कुल आराम से चलेंगे। अगर मैं कहूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो 760 mm ऑफ मरकरी है, ठीक है, जी 10 नहीं लेंगे ना, जी 10 क्यों लोगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ मरकरी है, तो उनको ऑनर देने के लिए, किसको ऑनर देने के लिए, टोरिसेली साहब को। टोरिसेली साहब ने बहुत बड़ा काम किया था, लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं पता था। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया तब आगे फर्दर और भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस बनना शुरू हो गए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसके लिए ये जी बराबर 10 रखने पर ऐसा आएगा, ऐसा बोल रहे हो सरफराज जी, सही है यार सरफराज जी, एक बार देखना मेरे दोस्त। देखो तो टोरिसेली साहब को ऑनर देने के लिए, टोरिसेली साहब को ऑनर देने के लिए यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ मरकरी है, तो 760 टॉर कहा गया, यानी 1 टॉर बराबर क्या होगा, 1 टॉर बराबर क्या होगा, 1 mm ऑफ मरकरी होगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, 1 टॉर बराबर क्या होगा, 1 mm ऑफ मरकरी होगा, ठीक है। वन टॉर बराबर क्या होगा, 1 mm ऑफ मरकरी के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। बोलिए, अरे कुछ तो बोलो यार, 1 टॉर बराबर ऐसा होगा, सही है। तो अब ये बताओ यार, 1 टॉर बराबर कितना पास्कल होगा, 1 टॉर बराबर कितना पास्कल होगा, ये क्वेश्चन बताइए जरा, तो सभी लोग 1 टॉर में कितना पास्कल होगा ये बताइए, तो फास्ट जल्दी बताइए। चलो अच्छा, इसको करो, अच्छा बता रहा हूं,
133.42, वेरी गुड वेरी गुड सरफराज जी, सही आ रहा है, इतना ही आएगा। 9.8 वर्ड रखोगे तो 10.3287 आएगा, 3287, ठीक है ना? चाहो तो 33 भी लिख सकते हो, ठीक है। वन टॉर बराबर आएगा 133.3 या 133.4, ऐसा पास करो। बोलो ठीक है, आ रहा है? सरफराज जी एक बार फिर से चेक करना। अरे ये इतना पास्कल आ रहा है, किसी का आया? किसी का आया? चलो देखते हैं ध्यान से। देखो यार भैया, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 टॉर्क, एंड द 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 101325 कर लो, 707 से डिवाइड कर लो, तो क्या 1 टॉर नहीं आ जाएगा यार? 760 टॉर बराबर दिस वन, तो 1 टॉर बराबर निकालने में क्या दिक्कत है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या? फिर तो जल्दी से फास्ट सभी लोग करिए, बताइए क्या इतना आ रहा है? क्या इतना आ रहा है? सभी लोग जल्दी से फास्ट करिए। आ रहा ना? चलो अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। अच्छा पेज फुल हो गया है, ठीक है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चले स्क्रीनशॉट हो गया है, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डिलीट कर दूं फिर? डिलीट कर दो। चलिए चलिए चलिए, चलिए अब देखना। देखो यार ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है, वीडियो लैग कर रहा है। अब क्लियर? ठीक है। अच्छा अच्छा देखो यार, ये जो वैल्यू आई है मेरे दोस्त, 1 टॉर ना, ऐसा तो हम लोग हमेशा इसको इस तरह से नहीं करेंगे,
हम लोग से जब भी कोई प्रेशर पूछा जाएगा हम लोग हमेशा रो जी एच करेंगे, क्या करेंगे रो जी एच। जैसे हमसे पूछा गया वन टॉर, हमसे पूछा गया वन टॉर, वन टॉर इज द वन एमएम ऑफ मरकरी है, और जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर होता है रो जी एच के बराबर। प्रेशर किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर होता है, रो जी एच के बराबर होता है। तो ध्यान से देखते हैं प्रेशर की वैल्यू कितनी है, वन डॉट, रो कितना है, रो कितना है मरकरी का, जी कितना है 9.81, एच कितना है 1 mm, 1 mm यानी जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे भी एग्जैक्टली वही आंसर आने वाला है। तो मेरे दोस्त फर्दर अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा हम इस अप्रोच से करेंगे, मैंने ऐसे ही किया था, वेल डन विशाल। तो हमेशा हम लोग इस अप्रोच को फॉलो करेंगे और रो जी एच के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी आप कैसा भी कर सकते हो, इसमें कैसा भी कंडीशन हो आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ चुका है सभी को, समझ में आ चुका है सभी को। तो दोस्तों प्रेशर को हेड में, हेड को प्रेशर में, ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है, आपने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं उसमें आपको बताना है कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, बट पहले समझिए। या आपके पास चार प्रेशर के यूनिट है, ए बी सी डी, चार प्रेशर के यूनिट है, ठीक है। सबसे पहला है 20 किलो पास्कल, दूसरा है 180 मिली बार, तीसरा है 20 मीटर ऑफ वाटर, चौथा है 1240 एमएम ऑफ मरकरी, ठीक है। तो हमें यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ दीज प्रेशर यूनिट, यानी आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसा बताना है, ठीक है। जल्दी करिए, तो अरे ABCD बोल दो ना यार, ABCD बोल दो ना, जैसे आप बोल रहे हो सबसे छोटा B है, फिर D है, फिर C है, फिर A है, B D C A, ये राम जी का भी आंसर है, सचिन जी का भी आंसर है। चलो अच्छा देखते हैं, एक दो आंसर और वेट कर लेते हैं, कोई और है,
अरे कोई और आंसर देगा? मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं। चलो ठीक है, 20 किलो पास्कल का मतलब क्या हुआ? 20 × 10³ पास्कल, ठीक है। 180 मिली बार का मतलब क्या हुआ? 180 मिली माने क्या होता है? 10⁻³, बार माने क्या होता है? 10⁵। तो ये हो गया 10⁻² और ये 0, 10⁻³। ये हो जाएगा 18 × 10³ पास्कल, 18 × 10³ पास्कल। 20 मीटर ऑफ वाटर, 20 मीटर ऑफ वाटर क्या लगाओ? रो जी एच, रो की वैल्यू वाटर है, जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू 20। तो 20 मीटर ऑफ वाटर रो जी एच, तो ये हो जाएगा रो 196.2 × 10³। नेक्स्ट है 1240 mm ऑफ मरकरी, तो किसकी डेंसिटी? मरकरी की। कितनी कितनी हाइट के लिए? 1.24 मीटर, सही ना, क्योंकि 1240 mm है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 165.4 × 10³ पास्कल। जो देखो यार, सब कोई एक यूनिट में है, सब कोई एक यूनिट में है, तो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? सबसे छोटा मुझे बी नजर आ रहा है, ठीक है। फिर बी से बड़ा क्या है? बी से बड़ा है ए, सही। ए से बड़ा क्या है? ए से बड़ा है डी, और डी से भी बड़ा क्या है? डी से बड़ा है सी, ठीक है। बोलो सही है? हाँ, विशाल जी का सही है, बी ए डी सी, ठीक है। सचिन और राम जी, कहाँ गड़बड़ हुआ था? सचिन और राम साहब ए में, अच्छा चलिए ये हो गया। सरफराज जी, आपने तो आंसर ही नहीं दिया, तो कैसे पता आपका सही है गलत है? खुद से आंसर सही गलत नहीं माना जाता है। चलिए अच्छी बात है, बनाया था, अच्छी बात है, बट आंसर भी कमेंट करना चाहिए ना, क्यों कमेंट नहीं किया बनाया था? तो चलिए चले आगे, आगे चले, आगे चले। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मान लिया जाता है सरफराज साहब का भी सही था, ठीक है। सभी लोग सुन लिए ना, सरफराज जी का भी सही था, ठीक है। आगे चला जाए दोस्तों, चलो ठीक है, सरफराज साहब खुश हो? हाँ चलिए, सरफराज जी खुश है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोरी सरी साहब के ट्यूब में अगर ऊपर ऐसे होल हो जाए तो अब क्या होगा, अब क्या होगा?
टोरिसेरिस आपके ट्यूब में होल हो जाने से क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज। देखो ध्यान से, देखो अब अगर होल्स कर दिया जाए, अब अगर होल्स कर दिया जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। लिक्विड क्यों ऊपर आया था? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, जो यहां का प्रेशर है वो यहीं का प्रेशर है, तो पास्कल लॉ को होल्ड होने के लिए ये लिक्विड आके नीचे फिर से सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा। बोलो यस या नो, यस या नो। हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि जो ट्यूब में लिक्विड राइज हुआ है वो वापस से रिजर्वायर में सेटल डाउन हो जाएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लो, आप कोल्ड ड्रिंक लगा के, स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो जब स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और सडनली आपने माउथ को ओपन कर दिया, इसका मतलब आप अपने माउथ के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कर दिए। माउथ ओपन होने का मतलब अंदर प्रेशर क्या क्रिएट हो गया है? एटमॉस्फेरिक। तो ये बताओ, जो स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक है वो नीचे गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा, वापस से आपके बॉटल में चला जाएगा ना, वापस से आपकी बॉटल में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। मिली बार सबसे छोटी यूनिट होती है क्या? नहीं, ये गलत बात है, मैग्नीट्यूड से डिसाइड होगा, देखो जैसे मैं कहा मिली बार, वन मिली बार क्या है? 1 × 10⁻³, 10⁵। तो 10⁻² पास्कल हो गया ना। अब मैं आपसे कहूं 10 पास्कल और 1 मिली बार में कौन बड़ा है? तो ऑब्वियस ही बात है मिली बार बड़ा हो गया ना। तो ऐसे बड़ा छोटा नहीं बोल सकते ना, ऐसे नहीं बोल सकते किसी को बड़ा छोटा, सही है? बड़ा छोटा कब बोलोगे? किसी के रिस्पेक्ट में बात करते, सही है? बात समझ में आया? ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। एक और बात समझिए। देखो मान लो चार दोस्त हैं, एक है मुंबई में, ठीक है, चार दोस्त हैं, एक मुंबई में है, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है और एक कश्मीर में है। कश्मीर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, ये मान लेते हैं चार दोस्त हैं, ठीक है, मुंबई, जयपुर, दिल्ली और कश्मीर, ये चार दोस्त हैं। जब ये चार दोस्त हैं मेरे दोस्त, और इनके ऊपर, सभी के ऊपर पूछा जाए, सभी को एक साथ फोन किया जाए और बोला जाए यार तुम बताओ कि तुम्हारे ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो सभी का जवाब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बोलो यस या नो, यस या नो। हाँ वेरी गुड। अब ध्यान से सुन रहा, मगर मेरे दोस्त क्या सभी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि मुंबई बिल्कुल सी लेवल में है, ये जयपुर सी लेवल से और ऊपर है, दिल्ली और ऊपर है, कश्मीर और ऊपर है, तो सभी जगह जो प्रेशर होगा उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, मगर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही। तो सभी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, मगर ये वाली वैल्यू नहीं लग रही होगी, ये वाली वैल्यू कहां पे लगती है? सी लेवल्स पे लगती है। ये वाली वैल्यू कहां पे लगती है? सी लेवल्स पे लगती है, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, तो ये आपने कहा कि सभी के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मगर ये मैग्नीट्यूड नहीं। तो मेरे दोस्त दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने होते हैं? दो। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये,
और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सबका अलग अलग जगह पे। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। और या स्टैंडर्ड बोल लेते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बट ये जो अलग अलग जगह पे है उसको बोलते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अलग अलग लोकेशंस पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे दोस्त, अगर पूछा जाए बैरोमीटर के बारे में कि बैरोमीटर कौन सा प्रेशर बताएगा, स्टैंडर्ड या लोकल, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा ये बताया, अगर बैरोमीटर को लेकर आप दिल्ली में बैठे हो और ये अरेंजमेंट दिल्ली में किया है, ये अरेंजमेंट दिल्ली में किया है, ठीक है, ये अरेंजमेंट दिल्ली में किया है, तो ये बताओ ये दिल्ली के हिसाब से राइज होगा या मुंबई के हिसाब से राइज होगा? दिल्ली के हिसाब से ना, तो क्या बोलना चाहिए, लोकल या स्टैंडर्ड, लोकल या स्टैंडर्ड, लोकल या स्टैंडर्ड, लोकल, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो अलग बात है कि आप इसकी मदद से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर पाएंगे, मगर एक जनरल बात पूछी जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। बोलो सही है मेरे दोस्त, सही है, सही है, हाँ चलो ठीक है, चलो चलो। अब देखो यार, एक पहाड़ पे चढ़ने वाला आदमी है, सही है ना, पहाड़ पे चढ़ने वाला आदमी है, अच्छा, तो ये जो आपने लिखा था ना डेफिनेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहीं पे लिख लीजिए लोकल, काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो सही है, सही है या अभी भी लिखवाने की जरूरत है, सही है या अभी भी लिखवाने की जरूरत है? अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, केवल इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से कंप्लीट करिए। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, एक पहाड़ पे चढ़ने वाला आदमी है, कहां चढ़ने वाला आदमी है, पहाड़ पे, तो यहां से वो चढ़ना शुरू करता है, ठीक है, यहां से वो चढ़ना शुरू करता है, ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य मूवी देखी है, लक्ष्य पिक्चर देखा, लक्ष्य, लक्ष्य मूवी देखी है, नहीं, चलो अच्छा ठीक है, नहीं देखा, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं छोटी सी स्टोरी, उसमें क्या होता है, आर्मी के, ऋतिक रोशन की पिक्चर है, उसमें ऋतिक, पाकिस्तानी लोग इस तरह से फ्रंट पे, मतलब पहाड़ पे कारगिल वाला केस है, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कारगिल वाला केस मान लो यहाँ पे कब्जा कर लिए हैं, तो अब क्या करना है, पहाड़ पे जाना है, ठीक है ना। तो सामने से जाओगे तो उधर से गोली मार देते हैं वो लोग, यही तो कारगिल में हुआ था, यहाँ पे वो बैठ गए और इधर से भारत की सेना आ रही है तो बिल्कुल देख के वो गोली मार रहे थे, ठीक है ना। तो लक्ष्य में क्या बताया गया है कि इस पहाड़ के पिछले हिस्से से कुछ लोग, आर्मी के लोग चढ़ाई कर रहे हैं और वापस आके यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, यही कहानी थी ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लो कोई पहाड़ पे चढ़ने वाला आदमी है, मान लो ऋतिक रोशन है, वो बैरोमीटर लेकर चला,
तो यहां पे उसने पाया कि बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो है 750 mm ऑफ मरकरी। कितना है? 750 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, मतलब मूवी जरूर देख लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मूवी देखना जरूरी नहीं है। तो यहां पे 750 mm ऑफ मरकरी है, यहां पे वो यहां से चढ़ना शुरू करता है। ठीक है, अब यहां से वो चढ़ा ऐसे ऐसे, मान लो पहाड़ तो बिल्कुल सीधी रेखा में होगा नहीं, ऐसे ऐसे चढ़ के यहां पे पहुंच गया। ठीक है, जब वो यहां पे पहुंच गया तो वो पाया कि यहां पे जो रीडिंग है वो है 720 mm ऑफ मरकरी। कितना है? 720 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ऋतिक रोशन कितनी हाइट तक चढ़ा, वर्टिकली कितनी हाइट वो ट्रेवल किया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत है? कैसे सॉल्व करेंगे वो दूसरी बात है, बट क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत है? हाँ, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या एच की वैल्यू आएगी। चलो, यहां से वो स्टार्ट करता है, शुरू करता है चढ़ाई करना पहाड़ के ऊपर। जब यहां पे पढ़ाई चढ़ाई करता है तो उस समय बैरोमीटर में रीडिंग है 750 mm ऑफ मरकरी। फिर उसके बाद ये चढ़कर यहां पे गया, यहां पे जो है रीडिंग 720 mm ऑफ मरकरी। तो ये जो हाइट है वो बताना है हमें। ये फॉर्मूला वगैरह सचिन साहब नहीं बताइए, कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए फास्ट। सरफराज जी, यूनिट यूनिट सरफराज साहब, मीटर। चलो अच्छा देखते हैं। और कोई? और कोई? मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं। ये मान लो पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है। ठीक है, वन का प्रेशर क्या है? पी वन। ठीक है, अब यहां से ऊपर डिक्रीज करेगा तो माइनस रो जी एच, रो जी एच कहां पहुंच गए? पी टू।
P1 माइनस रो जी एच बराबर P2 हो चुका है। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यार, अब देखो मेरे भाई, तो रो जी एच बराबर किसके बराबर है? P1 माइनस P2। ठीक है, चलो P1 की वैल्यू कितनी है? 750। P2 की वैल्यू कितनी है? 720। 720 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, चलो तो ये हो गया 30 mm ऑफ मर्करी। तो 30 mm ऑफ मर्करी, रो कितना? 13,600। जी की वैल्यू रख लो 30 mm, 30 mm यानी 0.03। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, यहां पे सही है, यहां तक सही है, यहां तक सही है, बोलो यार यहां तक सही है। अब देखना ध्यान से, ये रो जी एच लिख दिया और यहां पर जी और एच, रो की वैल्यू क्या लिखोगे? रो की वैल्यू क्या लिखोगे? रो की वैल्यू क्या लिखा? वेरी गुड, एयर की लिखेंगे ना, एयर की। ये क्यों, कहां ट्रेवल कर रहा है? एयर चल रहा, तो एयर की डेंसिटी आप 1.2, आपको स्टैंडर्ड पता है 1.2 मान लिया। तो एच बराबर क्या हो गया? जी, और जी गायब हो चुका है तो ये इंटू 3 हो जाएगा, 20 इधर चला गया है और ये 1.2, तो ये 400 हो गया। 400 मतलब 340 के आसपास आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो ये कौन सी डेंसिटी पे चढ़ रहे हैं, कौन सा फ्लूइड है आपके पास? यहां पे एयर ही तो है। 340 आ रहा है, एग्जैक्टली 340 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 340। ठीक है, तो बैरोमीटर से रिलेटेड बातें क्लियर हो गई हैं, बैरोमीटर से रिलेटेड बातें क्लियर हो गई हैं। चले आगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पीजोमीटर। बहुत ही आसान है पीजोमीटर। क्या है पीजोमीटर में मेरे दोस्त? हम लोग के पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है जो दोनों साइड से ओपन होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है, दोनों साइड से ओपन होता है। अब जहां भी हमें प्रेशर मेजर करना है, सपोज यहां प्रेशर मेजर करना है, तो हम लोग आते हैं ये जो है ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट, वेरी सॉरी, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना? ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का दोनों एंड से ओपन होता है और इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो और इसमें से मान लो पहले से कोई लिक्विड इसमें रखा होगा, तो यहां का जो प्रेशर होता है मेरे दोस्त वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। यानी जो पीजोमीटर है वो हम लोग हमेशा गेज प्रेशर के लिए रीडिंग में ऑपरेट करेंगे। यानी जब आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो जैसे ही कनेक्ट करोगे ये वाटर या लिक्विड यहाँ तक राइज हो जाएगा। तो ये हाइट एच अपने को पता है,
यहाँ का प्रेशर है मान लीजिए एक्स, तो यहाँ का प्रेशर है पी एक्स, और यहाँ से यहाँ प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं है, ऊपर चलेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा रो जी एच, यहाँ में पहुँच गए प्रेशर क्या हो गया पी ए टी एम, तो पी एक्स बराबर पी ए टी एम प्लस रो जी एच। तो आज आपको पी ए टी एम भी पता है, रो भी पता है, जी भी पता है, एच भी पता है, तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, पी एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीजोमीटर का क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या ड्रॉबैक है पीजोमीटर का, क्या ड्रॉबैक है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ऐसा ट्यूब है ना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है, ठीक है, इसका क्या क्या ड्रॉबैक है मेरे दोस्त? सबसे पहला ड्रॉबैक ये है, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि ये गैस का प्रेशर नहीं मेजर करेगा, क्योंकि गैस को अगर ट्यूब के साथ कनेक्ट करोगे तो गैस उड़ जाएगा ना, तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है मेरे दोस्त कि इसमें गैस का प्रेशर नहीं मेजर होगा, इसमें केवल और केवल किसका प्रेशर मेजर हो पाएगा, लिक्विड का प्रेशर मेजर हो पाएगा, केवल और केवल किसका मेजर हो पाएगा, लिक्विड का प्रेशर मेजर हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या मैं बोलना चाहता हूं कि ये मेजरमेंट हो रहा है लिक्विड के प्रेशर के लिए, ठीक है ना, तो इट इज अ डिवाइस। अच्छा एक और बात कि गैस का प्रेशर नहीं मेजर कर पाएगा, लिक्विड का प्रेशर मेजर करेगा, बट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी नहीं करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर जब आप करोगे तो इस ट्यूब का लेंथ बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो कांच का ट्यूब का लेंथ हमें ज्यादा बनाने में दिक्कत है, क्योंकि उसके टूटने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि इससे हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ा बनाना होगा, तो मेरे दोस्त ये गेज प्रेशर की रीडिंग देगा, बट मॉडरेट प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर नहीं। सही है, बात क्लियर हो रहा है, बात क्लियर हो रहा है, जल्दी बताइए बात क्लियर हो रहा है, हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली, ब्रैकेट में लिख लेंगे, नॉट गैस, गैस के लिए नहीं है, मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली, ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, अब कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मैनोमीटर में बात करेंगे, मैनोमीटर में ये सब जो समस्याएं है ना वो सब छू मंतर हो जाएगी, क्योंकि मैनोमीटर सभी के लिए होता है, चाहे हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, लिक्विड का प्रेशर हो, गैस का प्रेशर हो, वैक्यूम प्रेशर हो, जो कुछ भी हो सबके लिए यूज होगा, ठीक है। तो आज दोस्तों इतना ही करते हैं, कल जब हम लोग मिलेंगे तो इस पे बहुत सी बातें करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पेज का आपका स्क्रीनशॉट हो चुका था, हाँ न्यूमेरिकल भी करेंगे, मॉडरेट मतलब बीच का प्रेशर, मीडियम प्रेशर, बहुत हाई ना बहुत लो, ठीक है सभी के लिए यूज करेंगे उसको, ठीक है। ये पेज हो चुका था, जल्दी बताइए ये पेज का स्क्रीनशॉट हो चुका था ना, अरे थैंक यू कुणाल साहब। चलिए तो अब दोस्तों यहां से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पेज ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये, चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन किया, दोस्तों कल हम लोग और भी अच्छा सेशन करेंगे, कल हम लोग मैनोमीटर के बारे में करेंगे, उस
पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाउसी के भी बारे में पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ और भी अच्छा पढ़ाई करने वाले हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक और भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, कल हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।